हर हर महादेव, जय माता दी। जीवन में बहुत सारी शारीरिक मानसिक बीमारी से उसी व्यक्ति को गुजरना पड़ता है जिसकी ग्रह दशाएं कमजोर होती हैं। पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे में हम सब सोचते हैं हमारी पूजा पाठ का फल हमें कहाँ नहीं मिल रहा है। सबसे पहले अमावस्या और पूर्णिमा तिथि दो ऐसी मानी जाती हैं जो देवताओं और पितरों के लिए होती हैं। इस दिन कई व्यक्तिजन अनजाने में भूल कर देते हैं, कुछ कार्य ऐसे कर देते हैं जो उन्हें कई तरह की परेशानियों में डालते हैं। इसके बाद जो है वह कई जगह चक्कर लगाते फिरते हैं परंतु उन्हें समाधान नहीं मिलता। ऐसे में हम सभी को पहले ही इन चीज़ों का ज्ञात हो जाए तो हमारे जीवन में कुछ परेशानियां कम हो जाए। सबसे पहले अमावस्या तिथि के बारे में जानते हैं। इस दिन जो है अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ कार्य आप सभी को मैं बताती रहती हूँ करना चाहिए। जलदान, वस्त्रदान, अन्नदान, पितरों का तर्पण इत्यादि जो आपसे संभव हो वह करें। क्या न करें, इस दिन सबसे पहले बहुत अधिक टोने टोटके किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। ऐसे में सबसे पहले आप सभी को कभी भी चौराहे पर जाने से बचना चाहिए, रात के समय, शाम के समय, क्योंकि आप तो सच्चे मन के व्यक्ति हैं परंतु दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है। विशेष रूप से महिलाएं खुले बाल छोड़कर कभी भी चौराहे में अमावस्या तिथि के दिन ना जाएं, क्योंकि बुरी शक्तियां इस दिन बहुत एक्टिव होती हैं और वह कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से शरीर में प्रवेश करने का सोचती हैं। ऐसे में आपने ग्रंथ शास्त्रों में पढ़ा होगा, महिलाओं और पुरुषों को पूजा के समय सर ढकने को कहा जाता है। शक्तियां जो हैं कहीं ना कहीं शरीर में प्रवेश करने का सोचती है, वह खुले बालों के माध्यम से बहुत अधिक प्रवेश करती हैं शरीर में। तो आप सभी को अगर चौराहे पर जाना आवश्यक हो गया है तो बाल बांध कर चलिए, और साथ ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपने हाथ पैर हाथ में रखनी चाहिए, जैसे कई लोग माचिस वगैरह रखते हैं, आवश्यक हो तो, परंतु जहाँ तक हो नहीं जाना चाहिए। कई बार आप किसी से भी पूछ लीजिए, अपनी दादी अम्मा से या कई लोगों से भी पूछ लीजिए, आप सभी को यही बताएंगे। प्रियड इत्यादि में भी चौराहे से ना निकले। आप कहेंगे विदेशों में तो हर कोई निकलता है परंतु वहाँ पर इस तरह के कार्य भी नहीं होते, यह बात भी ध्यान रखिए। तो यह कार्य आपको अमावस्या के दिन विशेष रूप से बचना चाहिए। इसके साथ ही आप घर से बाहर निकलते हैं, जॉब इत्यादि भी है, परंतु अमावस्या के दिन आप नींबू डालकर नहाना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी बुरी शक्तियाँ हल्का सा भी प्रभाव कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए, और ऑरा भी आपका मजबूत होता चला जाएगा। इसके साथ ही अमावस्या के दिन आप संतान जन्म देने की सोच रहे हैं तो इस दिन कभी भी संभोग ना करें। गलती से भी इस दिन अगर संतान पेट में आ गई तो वह किसी न किसी कारण से अक्षमता का शिकार बनती है, मानसिक रूप से परेशान रहती है, यह बात ध्यान रखिए। ज्योतिष शास्त्र इसका पूर्ण वर्णन मिलता है, साथ ही गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, इस बात का भी ध्यान रखना है प्रत्येक महिला व पुरुष को। इसके बाद स्थान आता है दूसरों के घर का भोजन कभी ना करें अमावस्या तिथि के दिन। पूर्ण रूप से यह सत्यता पर आधारित है, कभी भी गौर कर लीजिएगा, अमावस्या तिथि पर कोई खाने को बुलाए तो विशेष रूप से इग्नोर कीजिएगा। इसके साथ ही आप सुनसान जगह पर जाने के बारे में 10 बार सोचिएगा अमावस्या तिथि के दिन। डराने की बात नहीं है परंतु यह सत्य है। इसके साथ ही जो व्यक्ति ग्रह दशाओं से कमजोर होता है उन पर यह चीज़ें बहुत अधिक असर करती हैं, और कब हमारी ग्रह दशाएं कमजोर हो जाए हम नहीं कह सकते। इसके साथ ही श्रृंगार की वस्तुएं लेने से बहुत अधिक इस दिन कम ही इस दिन श्रृंगार करें, कम ही इस दिन लेके आए तो बेहतर है, क्योंकि यह तिथि इतनी शुभ नहीं मानी जाती। इसके साथ ही कोई बड़ा फैसला लेने का सोच रहे हैं तो उसे करने से भी अमावस्या तिथि के दिन आप सभी को बचना चाहिए। लड़ाई झगड़ा इत्यादि जो शराब वराब का सेवन करते हैं वह भी इस दिन पितृ विशेष रूप से नाराज होते हैं, ना करें। पूर्णिमा के दिन क्या ना करें यह जान लेते हैं। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुएं कोई सांच के समय आपसे लेने के लिए आए तो कभी ना दें। दूध, दही, चावल इत्यादि कोई पड़ोसी हो, परिवार के जन हो, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, घर में बरकत धीरे धीरे कम होने लग जाती है, गौर कीजिएगा। और पूर्णिमा तिथि के दिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रत्येक महिला व पुरुष को नहीं करनी चाहिए, जैसे कि इस दिन जो है मन का कारक चंद्रमा होता है, कोई बड़े फैसले लेने से पूर्णिमा के दिन भी आप सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि मन एक जगह स्थिर नहीं होता, यह माना जाता है। जल के पास बहुत अधिक जाने से सोच, आप कहीं घूमने का ऐसा सोच रहे हैं तो पूर्णिमा और अमावस्या तिथि ऐसी होती हैं जो पूर्ण रूप से सोच समझ कर कोई फैसला ले। यह कुछ कार्य होते हैं जो इस कलयुग में, इस आधुनिकता के दौर पर भी हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इनका जो है
आपने देखा होगा आपके हाथ पैरों में दर्द रहेगा, कुछ ना कुछ इसका कारण है, डॉक्टर के चक्कर लगाते रह जाएं, यह भी कहीं ना कहीं कोई पकड़ नहीं पाता। कमर इत्यादि में दर्द रहता है, बाल बहुत अधिक झड़ते हैं, यह भी कुछ ना कुछ कारण होते हैं। इन लोग दुनिया में अलग अलग तरह के हैं, आप सच्चे मन के व्यक्ति हैं परंतु दूसरा नहीं, परंतु आप सभी को अमावस्या और पूर्ण कुछ सावधानियां रखने की बहुत आवश्यकता होती है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है, साथ ही वास्तविक जीवन में भी यह चीजें होती है। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हर हर महादेव, जय माता दी लिखना ना भूलें।